हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये तीज का दूसरे दिन का है और नहा कर आ गए हैं सुबह सूर्य भगवान को जल देने और तुलसी माँ को जल देकर सबसे पहले पूजा करेंगे। और यहाँ पर पूजा कर आ गए हैं और जो कल का चढ़ाए हैं चढ़ती हैं हटा कर रख देते हैं, तब कुछ दूसरा काम करेंगे। जो विसर्जन करने वाला है अलग रख देंगे और जो देने वाला है उसे अलग रख कर, और उसके बाद कुछ अनाज छुआ जाता है, छूकर पंडित जी को दान किया जाता है, तब कुछ आपको खाया पिया जाता है तीज का दूसरे दिन। और जानते हैं जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन तो उतना एहसास नहीं होता, मगर जिस दिन कारण रहता है उस दिन बहुत थकान सी आलस रहती है। तीज माता का पैर छू लेते हैं, उनसे विनती कर लेते हैं कि हमसे जो भी गलतियाँ हो, कोई भी जो हो, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, हमें माफ करना और हमें पूजा करने और हमारे सुहाग को इसी तरह अजर अमर बनाए रखें कि हम हमेशा आपका व्रत करें। उसके बाद यहाँ पर अनाज कुछ छुआ जाता है और इसमें छूकर उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। तो उससे तो पहले हम 3 बजे भोर में अपना व्रत खोल लिए हैं, कुछ अनाज खाकर और पानी पी लिए थे, मतलब मिठाई खाकर पानी पी लिए। राधे राधे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मेरा पूजा जो कल का किए थे सब उनको हटाकर और विसर्जन करना है। पंडित जी को छू कर रख दिए हैं देने के लिए, देखते हैं बच्चे आएंगे तो लेकर जाएंगे देने के लिए। तब तक के लिए पूजा वूजा कर अब आ गए हैं लेकर चाय। देखिए जा रहे हैं चाय पीने। अभी खाना बना, दाल चावल तो बन गया है और रोटी सेकना है, सब्जी भी बन गई है, दाल में तड़का लगाना है। उसके बाद चाय बनाए, पहले पानी पी लिए थे तो उसके बाद चाय पीने का मन तो बहुत पहले का ही बना दिए, मगर अब पी रहे हैं। चाय पीकर तब रोटियां सेकेंगे गर्मा गर्म। अभी भूख तो नहीं लगी है मगर प्यास बहुत तेज़ी से लगी है, लगी थी तो पानी पी लिए हैं। उसके बाद जा रहे हैं चाय पीने, चाय पीकर। और दोस्तों यहाँ पर हम चाय लेकर पी रहे हैं, थोड़ी सी ठंडी हो गई है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ अपन अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरी दूध सारा गिर कर ख़राब हो गया, पूरा घर धुआँ धुआँ। और हम कपड़ा लेकर चले गए थे छत पर फैलाने के लिए, हम सोचे कि अभी दूध अभी गर्म उतना नहीं है, ऊपर नहीं आएगा, मगर ऊपर खोल कर आकर उसके बाद ये पूरा ख़राब हो गया और जलने लगा, एकदम पूरा घर धुआं धुआं हो गया था। और यही कहिए कि मेरे पति देव जी देखे नहीं तो बिना डांटे मुझे छोड़ते नहीं। और यहाँ पर हम अपने लिए खाना ले लिए हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। और आप गलत कमेंट मत करिएगा कि एक ही में सब, क्योंकि गाँव में ये सब चलता है, हम लोग एक ही में खा लेते हैं। देखिए टाइम हो रहा है 11:20। सो फ्रेंड्स, हम खाना लेकर आ गए हैं, दाल चावल सब्जी मिर्ची का चाट ले लिए हैं, अब जा रहे हैं खाने। और सुबह पानी पी लिए थे, चाय पी लिए थे, भूख नहीं लग रहा है, अभी भी भूख नहीं लगा है, मगर 11:20 हो गया है। बर्तन वर्तन धोकर झाड़ू लगाकर सारा काम फिनिश कर दिए हैं। इस बार निधि मेरी अच्छी लगाई है, तो हरदम तो मेरा हाथ बिगाड़ देती है, मेरी किसी भी तरह लगाएं एकदम बहुत अच्छी तरीके से चलता है। चलिए खाना खा लेते हैं। दोस्तों ये है दूसरे दिन का क्लिप, और एक दिन पहले का ही गेहूँ धो लिए हैं, तो उस दिन तो कभी धूप कभी छांव हो रहा था, मगर और उसके बाद
नहीं सूखा गेहूँ तो ये दूसरे दिन सूखवा रहे हैं। देखिए मौसम कभी बादल कर रहे हैं कभी धूप कर रहे हैं। इधर भी है ये अरहर की दालें फैलाए हैं, समझ नहीं आ रहा है इसे बटोर दें कि क्या करें। ये भैंस के लिए कल का बना कर रख दें, इसका कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया, उनके लिए भी धो दिए हैं गेहूँ। और यहाँ पर मेरी देख लीजिए अभी तो कलर अच्छा है, अभी छूटा नहीं है, मगर ये जब मेहंदी लगाने में तो अच्छा लगता है, जब छूटता है तो बहुत हाथ गंदा सा लगता है। ये 3 दिन बाद का है तीज का वीडियो, और आज हम परेशान हो गए हैं। उसके बाद देखिए ये 2 घंटे बाद जब जो रखने वाला है थोड़ा मोड़ा सब कुछ रख दे रहे हैं, और गेहूँ बटोर 1-2 घंटे बाद इतनी तेज मतलब कि बादल पूरा चारों ओर काला काला घेर कर, देखिए इधर बारिश होने लगे। मेरा तो ये सब बाबू और निधि आ गए थे क्योंकि उन लोगों को एग्जाम चल रहा है तो 12 बजे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मेरा हेल्प करवा दें तो आज सारा गेहूँ बर्बाद हो जाता है। अब एकदम सुबह से हम गेहूँ को लेकर परेशान हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और मेरा आटा भी थोड़ा सा ख़त्म होने लगा है। यहाँ पर ये समय हो रहा है 4 बज रहा है, देखिए थोड़ा सा धूप कर दिए थे हल्का हल्का और हवा चल रहा था, छत सूख गया है तो ला दिए हैं गेहूँ और इसे उसा कर आज मुझे देना भी है इसी तरह पिसाने के लिए गेहूँ को, और बनाकर बाबू को दे देंगे तो लेकर चले जाएंगे। और देखिए पूरा गेहूँ नहीं दिए हैं, इतना से डालकर और बाबू को दे दिए, और ये है बनाकर रख दिए क्योंकि जब ये बोड़ी में अगर अधिक हो जाता तो बाबू मेरा नहीं ले जा पाता है, तो इसलिए इतना ही बस बना कर दे दिए और ये फटक कर दूसरे बोड़ी में रख दिए। और आज समझ लीजिए गेहूं को लेकर इतना परेशान है, अगर सुबह ही 10 बजे से आए हैं छत पर तब से नीचे नहीं गए हैं, अब बना कर तब उसके बाद नीचे जाएंगे, खाना में बनाने का तैयारी करेंगे, जो काम करना रहेगा 1-2 बर्तन है उसे धोएंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गेहूं बन गया है और आज समझ लीजिए इतना कभी बारिश तो कभी धूप, कभी बारिश तो कभी धूप, एकदम परेशान हो गए थे। किसी तरह थोड़ा सा धूप हुआ बनाकर, आज जब गेहूँ बना रहे थे फिर बारिश होने लगा, उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट बारिश की हल्का फुल्का 1-2 बूंद बारिश, और फिर चले गए भगवान, फिर ओसा कर गेहूँ रख दिए हैं, बाबू आएगा को ट्यूशन पढ़कर तो लेकर जाएंगे देने के लिए। शाम हो गया है यहाँ पर हम सीढ़ी पर बैठे हैं और समय हो रहा है 4:30 बज रहा है, अब मौसम पूरा हवा चल रहा है, बादल घिरे हुए हैं।